जहाँ तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला है तो ये मनमोहन सिंह के बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि ये फैसला मनमोहन सिंह की सरकार के समय लिया गया था। कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे फैसले ले चुके थे मगर कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। वो जब उनकी सरकार जा रही थी उस समय का। आज भी जैसे खड़गे जी ने कहा है कि हमें वादे वही करने चाहिए जिसको हम पूरे कर पाए, हमें वो वादे करने नहीं चाहिए जो हम पूरे न कर पाए। आज मतलब जैसे वो खड़गे जी ने स्वीकार किया है, इस बात को माना, उसके लिए हम खड़गे जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने ये नसीहत दी अपने कार्यकर्ताओं को कि हमें वो वादे नहीं करने चाहिए जिसको हम पूरा न कर पाए। मोदी जी वो बात की वादा करते हैं जिस बात की वो पूरा कर सकते हैं, और उन्होंने आज मतलब हमारे देखते देखते 10 साल के अंदर में, जैसे रेलवे के एक सामान्य टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट की गंदगी इस तरह से हटी कि आज हम मतलब एक स्वप्न की बात हो गई कि कभी इतने गंदे होते थे कि हम कभी उसमें यूज नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं, सफाई के प्रति आग्रह और सफाई रेलवे स्टेशनों में और हर जगह बहुत अच्छी हुई है। सर मोदी जी की एक ऐसी नहीं है, आज हम अभी यहाँ पर बैठे हैं और अगली 15 मिनट में अगर ट्रेन में एक सीट खाली होगी, 15 मिनट के बाद जो चलने वाली ट्रेन है उसकी एक सीट खाली होगी और हम अभी यहाँ पर बैठ के चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेन की टिकट अवेलेबल है, ये टिकट खाली है और ये मिल सकती है बिना किसी दलाल के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी वीआईपी कोटे के 100%। और हमने आज तक में इतनी बार ये महसूस किया है कि यार अगर मैं आपसे कहूँ कि मोदी जी के 3 बड़े काम जो 10 साल में आपको याद आए, तो 3 बड़े काम आप क्या मानते हैं? सर 3 बड़े काम के अंदर में सबसे बड़े तो एक जनता में विश्वास दिलाया है कि मेरे देश के अंदर में भ्रष्टाचार विदाई ले रहा है। ले लिया विदाई? नंबर एक, हाँ नहीं विदाई ले रहा है, ले चुका है ये नहीं कहा मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार विदाई ले रहा है, नंबर एक। नंबर दो, माधवी बुच को जानते हैं आप? कौन? माधवी बुच। नहीं मैं नहीं जानता माधवी बुच को। सेबी चेयरमैन? नहीं मैं नहीं जानता। मैं चलिए तो दूसरा बताइए। मैं ऐसे कोई भी बड़े व्यक्ति को नहीं जानता, मैं एक सामान्य आदमी। पहले आप दूसरा बताइए। हाँ दूसरा, जैसे आज ट्रांसपेरेंसी हुई है बैंकों के अंदर में, मतलब बैंकों के अंदर में जैसे ट्रांजेक्शन करना, बैंक अकाउंट खोलना, इतने लोगों के बैंक अकाउंट में, तो वो चुनावी बॉन्ड में का कुछ ट्रांसपेरेंसी थी नहीं? अरे ट्रांसपेरेंसी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तब जाके। आप गलत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया, जहाँ पे संभावना होती है, जैसे मैं पूछूं कि साहब आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपको शायद नहीं मालूम मगर अगर उसको काउंट करेंगे। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इतने हजारों करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उसमें पूरी गोपनीयता थी, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस बात का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मेरा चलिए तीसरा काम। हाँ तीसरा काम है कि आज किसानों के अंदर में, जो आज किसानों को कभी भी इतना पैसा नहीं मिलता, आज हर टाइम पे उसको 2-2 हज़ार रुपया उसको किस्त मिलती है और वो डायरेक्ट उसके खाते में जाता है। किसान तो कहते हैं 500 रुपया दिए कि DAP की खाद कितनी महंगी कर दी। सर किसान को मेरा ये मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जब यहाँ से 2 हज़ार रुपया भेजते हैं तो 2 हज़ार रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में पहुँचता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में बिना। लेकिन खाद का क्या हुआ? क्या खाद का दाम जो बोरी कम कर दी, दाम बढ़ा दिया? नहीं नहीं सर, वो देखिए वो बोरी बढ़ा दी, जैसे वो मार्केट में अगर ये आप और हम नहीं कह सकते कि ये जो युद्ध हुआ है और युद्ध की वजह से पेट्रोल के दाम आज हम देख रहे हैं कि कितने टाइम से एक स्टेबल की तरह चल रहे हैं, अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा देश होता, जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ले लीजिए, तो आपसे क्या चर्चा? नहीं नहीं चर्चा नहीं, पेट्रोल जो महंगाई आ रही है वो तो यूनिवर्सल आ रही है ना, मोदी जी खुद तो पेट्रोल पैदा नहीं कर रहे ना, जो अगर यूनिवर्सल अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है जिसकी असर डायरेक्ट हमारे मार्केट पे पड़ रही है, आज किसान को तो आज भी 2 रुपये का टमाटर मिलता है, हम तो 40-50 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये में भी नहीं मिलता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन रेट लगेगा या दाम जो भी लगेगा तो वो तो सबको भुगतना पड़ेगा ना उसमें। और आप सर कहाँ से? मैं हूँ करनाल से, अभी भोपाल में रहता हूँ मैं, और इनसे मिलने आया हुआ था, करनाल से ही आज ही आया हूँ। आपने पूछा 3 जो मोदी बड़े काम। हाँ 10 साल में जो आप मानते हो। 10 साल में हमारे सामने ही ये 10 साल है और जो इसके पीछे 10 साल थे। नहीं नहीं 70 साल छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में हैं और इसी का 2 दशक का अगर हम तुलना करते हैं, हमारे देश की या किसी भी मनुष्य की 3 आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान।
इसी तीन काम में जितना काम इस दशक में हुआ है, मोदी जी के दशक में, उससे पहले कभी सोचते बहुत थे। योजना आयोग था हमारे पास, वो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, घूमते रहती थी वो। लेकिन तो क्या हुआ योजना आयोग? हाँ, अब तो वो योजना आयोग तो कहाँ गया पता नहीं, लेकिन नीति आयोग है उसके बदले में, और काम भी हो रहा है उसमें। हम तीन जो मूलभूत समस्या होती है किसी भी मनुष्य मात्र के लिए, रोटी। हमारे देश में अब सिर्फ 2014 से पहले भी भूखमरी एक आम समस्या थी भारत में, वो लगभग लगभग ख़त्म सी हो गई है, चूँकि 80 करोड़ लोगों को महीने का उतना अनाज मिल जाता है जितना में वो भोजन कर सके, और ये पहुंच रहा है। पहले भी था, पहले भी गवर्नमेंट जो है वो राशन कार्ड और ये सब सब कुछ था, भरपूर मात्रा में था, लेकिन वो वास्तविकता में उनको मिल नहीं पाता था। किरासिन तेल आया वो पी गया, डीलर जो होता था उसका, राशन दुकान वाला जो होता था वो खा पी जा, चीनी भेजा वो खा लिया। तो अभी भी खा रहे हैं ये 5 किलो में भी। आप जमीन पर जाएंगे, मैं तो गांव-गांव जाता हूँ, जो मेरा कार्यक्रम देख रहे गांव वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो 5 किलो है वो कितना मिल रहा है और कितने को मिल रहा है निश्चित तौर पर। मैं आपको बताऊं इस पे भी कितनी पकड़ हो गई है, बायोमेट्रिक्स आ गए साहब सीधा, वो जब तक अंगूठा नहीं लगाएगा, अंगूठा लगा के भी आप जाके वहाँ तो देखो नहीं। अगर आपको ऐसा मालूम है कि अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरा बताइए। ठीक है, मकान कितने लोगों के पास, बस एक दशक पहले कितने लोगों के पास छत था साहब। गांव आप भी जाते हैं ना, गांव में, मैं भी गांव से ही आया हूँ, ठीक है। मैं अभी आप शहर में रह रहे हैं, उसी तरह हम भी शहर में रह रहे हैं, गांव में ही पले बढ़े। हफ्ते 2-3 गांव जाते हैं लेकिन सर छत, पक्की छत कितने लोगों के पास थी? और आज जो इस दशक में जो हुआ है, ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि हाँ लोगों के पास छत है। छत से भी बड़ी समस्या हम लोगों के खुद के साथ थी, घर द्वार अच्छा था, बाबा पिताजी ने अच्छा कर रखा था, लेकिन टॉयलेट के लिए हम भी वो लोटा उठाते थे और जंगल की तरफ या खेतों में जाते थे ओपन में। चलो हम तो मतलब पुरुष में हैं, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी समस्या थी सर ये, ठीक। वो अगर दोपहर में उनको महसूस हुआ कि जाना है, शाम तक वो वेट करती थी कि आंधी। इस बात की बात से मैं सहमत हूँ कि आज़ादी के बाद इतने सालों तक शौचालय के बारे में किसी सरकार ने वो काम नहीं किया, नहीं, काम जो काम सोचा नहीं था। हाँ, सोचा नहीं और वो काम भी नहीं किया भी जो मोदी सरकार ने शौचालय बनवाने का काम किया। स्वच्छता के प्रति जो आग्रह है प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद पूरे देश में स्वच्छता के प्रति आग्रह, खासकर सार्वजनिक स्थलों पर जो साफ सफाई है वो बदलाव सीधे सीधे दिखाई देता है। जो चीज दिखाई देती है उसमें मुझे नहीं कहने में कोई सवाल नहीं। आपको एक चीज नहीं दिखाई देती, आज सबसे बड़ा बात क्या है, क्या हम दुनिया में इज्जत से जी रहे हैं या इज्जत से नहीं जी रहे हैं? आज मोदी जी की पॉलिसीज की वजह से पूरा वर्ल्ड भारत को पहचानता है। पहले नहीं, कहाँ था, हमें बम्बई अटैक हुआ, हम चिल्ला रहे हैं, हम बम्बई अटैक का कोई जवाब ही नहीं दिया, हम जाके हाथ जोड़ रहे हैं जी, हमें मार के चले गए जाते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानते हैं आप? मैं देखिए ज़्यादा इंटरनेशनल के बारे में नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि 1 लाख यदि मान लिया, यदि सोना वापसी आना है तो अगला सेफली वापसी ले आया, कोई बीच में चू चपट नहीं हुई। बाबा ठीक, यही तो बात है पूरे वर्ल्ड। अब चलिए दूसरी जगह चलते हैं। संडे का दिन है और मैं आज कॉफी होम में आया हूँ। वैसे तो रोजाना की चहल पहल से संडे थोड़ा शांत रहता है कॉफी होम में, लेकिन तब भी आप कहाँ से आए? मैं उत्तम नगर से। उत्तम नगर क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ बैंक से। अच्छा, ये आज अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा का द्वितीय चरण भी शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जो पद छोड़ दिया उसके बाद से दिल्ली की तमाम छठ को लेके, बंगले को लेके, इसको लेके राजनीति हो रही है। दिल्ली के लोग अब, ये महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा इस महीने, तुरंत दिल्ली के चुनाव का बुखार चढ़ जाएगा। तो अभी क्या लग रहा है किस बारे में कि क्या होगा?